भागलपुर में मकर संक्रांति के दिन कड़ाके की ठंड और घना कोहरा होने के बावजूद अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ सुबह से ही पहुंचनी शुरू हो गई, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर जगत कल्याण की कामना की। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने एवं भगवान भास्कर को जल चढ़ाने और दान पुण्य करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए भागलपुर समेत पड़ोसी जिला के अलावा पूरे बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों से भी शिव भक्त गंगा स्नान करने अजगैबीनाथ धाम उत्तरवाहिनी गंगा घाट पर पहुंचते हैं। ये मकर तिल संक्रांति के लेके है कि गंगा स्नान किया जाता है, गरीबों को दान धर्म कपड़ा, शिव जी का पूजा, भास्कर जी का पूजा, दान धर्म होता है। आज के दिन दान धर्म करने से वैभव होता है, प्राप्ति, सारा मनोकामना पूर्ण होता है। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान विभाग अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग पटना की ओर से शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जारी किए गए इस आदेश में किसान भाइयों के लिए विशेष सावधानी की बात कही गई है, जिसमें शीतलहर का प्रभाव खेतों में लगी फसल पर पड़ने की संभावना को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में दिन का औसतन तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाएगा, जबकि तेज बर्फीली हवाओं के कारण मौसम में कनकनी बढ़ सकती है। वहीं फसल में पाला मारने की भी संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान 8 से 6 डिग्री तक जाने की संभावना को देखते हुए किसानों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। खासकर आलू, टमाटर और बड़े पत्तों वाले फसल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा जारी किए गए अलर्ट में ठंड से बचाव के लिए पशुधन को भी ढककर और आग के आसपास रखने की बात कही गई है। भागलपुर सोनापट्टी में मकर संक्रांति को लेकर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से दरिद्र नारायण के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्णकार संघ द्वारा आयोजित किए गए दरिद्र नारायण भोज में महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी और अमित कुमार टिंकल के साथ संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा समेत कई सदस्यों ने गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों को भोजन कराया। वहीं इस दौरान संघ की ओर से जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसको लेकर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति पर दान करना व भोजन कराना हमारा धर्म है और संघ की ओर से यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है। मौके पर सचिव संजय पोद्दार, रणजीत शाह समेत काफी संख्या में स्वर्ण व्यवसायी मौजूद थे। भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर दरिद्र नारायण भोज, ब्राह्मण भोज का आयोजन भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के तमाम सदस्यों के आर्थिक सहयोग, तन मन धन से उन लोगों के सहयोग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को लेकर भागलपुर के बाजार में घमागमी तेज हो गई है। खासकर कतरनी चूड़ा की डिमांड काफी बढ़ गई है। लोग दूर दूर से भी इसकी खरीदारी करने बाजार आ रहे हैं, जबकि कई लोग कतरनी चावल और चूड़ा खरीद कर कुरियर के माध्यम से दूसरे शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस वर्ष कतरनी 90 से 110 रुपए प्रति किलो और मालभोग कतरनी 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 30 रुपए तक इस वर्ष कीमत में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कतरनी चावल और चूड़ा देश भर में काफी लोकप्रिय है और हर वर्ष यहाँ का कतरनी चूड़ा मकर संक्रांति से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों को भी भेजा जाता है। भागलपुर के कचौड़ी गली में चूड़ा और तिलकुट का बाजार काफी गर्म है। मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले ही यहाँ तिलकुट की बिक्री शुरू हो जाती है और चीनी, गुड़ समेत कई तरह के तिलकुट बाजार में मौजूद हैं, जिनकी कीमत 200 रुपए से 500 रुपए तक होती है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, एबी मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज के उच्च माध्यमिक विद्यालय मसदी में सोमवार को बिहार सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने बच्चों व अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कई जानकारियां साझा की। साथ ही विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को हो रही समस्याओं को भी सुना गया और उसके समाधान का भरोसा दिलाया गया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, जिला योजना पदाधिकारी जयप्रकाश सिंह, CDPO पुष्पा कुमारी, प्रधानाध्यापक उर्मिला रानी, लेखपाल कृष्णानंद कुमार सहित अन्य शिक्षक, बच्चे एवं अभिभावक मौजूद थे। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में अयोध्या से आए हुए अक्षत एवं आमंत्रण पत्र का वितरण किया। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी ने बताया कि श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी सनातनियों को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही सभी से 22 जनवरी को श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में अपने घरों पर दीप जलाते हुए दीपावली मनाने की अपील की जा रही है। इस दौरान भाजपा नेता संजय चौधरी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जन्मभूमि जो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए हम लोग अक्षत और जो है पत्रक वितरण करते हुए उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग हर घर पे जा रहे हैं और सबसे आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम सबको स्वस्थ और दीर्घायु रखे। मकर संक्रांति की शहरवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं।